प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के केवड़िया के लिए 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। इसके जरिए गुजरात के केवड़िया में बनी सरदार पटेल की प्रतिमा को विश्व के पर्यटन नक्शे पर लाया जाएगा। इस आयोजन में पीएम मोदी वर्चुअली शामिल हुए, तो इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन किया था। इस प्रतिमा का उद्घाटन सरदार पटेल के जन्मदिन के दिन किया गया था, जिसके बाद आज एक और सौगात देश को मिली। पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में बनी सरदार पटेल की प्रतिमा को विश्व के पर्यटन नक्शे पर लाने के लिए 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए, जिसके बाद पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक साथ 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। ये 8 ट्रेनें केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर से जोड़ेंगी। इस योजना के साथ ही भारतीय रेलवे के मैप पर विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी जगह मिल जाएगी। साथ ही केवड़िया के रेल लिंक से जुड़ने से यहां देश भर से सैलानी बिना किसी परेशानी से पहुंच सकेंगे। पीएम ने कहा कि इन ट्रेनों में विस्टा डोम स्ट्रक्चर की सुविधा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी किया है। इसके अलावा उन्होंने ब्रॉडगेज लेन का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि अब केवड़िया देश का कोई छोटा मोटा शहर नहीं रह गया है। अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा लोग केवड़िया में सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 50 लाख लोग इस प्रतिमा को देख चुके हैं। एक अध्ययन के मुताबिक कुछ दिन बाद यहां रोजाना 1 लाख लोग पहुंचेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने इस स्थान की रूपरेखा पूरी तरह से बदल दी है। कई आदिवासियों को यहां रोजगार मिल रहा है, लोग मैनेजर बन रहे हैं, कैफे खोल रहे हैं, पर्यटक गाइड बन गए हैं। केवड़िया का उदाहरण है कि कैसे इकोलॉजी और इकोनॉमी के संगम से रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।